हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब ब्लॉग में, जिसका नाम है सौरभ एंड साक्षी ब्लॉग्स। और आपको बता दें कि आज मॉर्निंग में ही सुबह सुबह, कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि दीदी जीजा दीदी तो यहाँ पे थी, जीजा जी और दीदी का जो बड़ा बेटा है वो आए हुए थे कल। और आज ये लोग सब लोग, दीदी जीजा जी और हर्ष ओम, ये लोग सुबह सुबह निकल गए हैं और ये लोग लखनऊ जाएंगे। पहले बीच में आगरा में रुकेंगे, वहाँ पे थोड़ा घूमेंगे, ताजमहल वगैरह घूमेंगे, उसके बाद फिर लखनऊ जाएंगे। लखनऊ में आज का स्टे होगा और कल गोरखपुर जाएंगे, क्योंकि मंडे से बच्चों के एग्ज़ाम मतलब टेस्ट वगैरह ये सब है, तो उसके लिए उनको जाना थोड़ा अर्जेंट था। तो वो लोग निकल चुके हैं सुबह सुबह ही, अर्ली मॉर्निंग वो लोग निकल गए थे और अभी इस समय वो लोग आगरा पहुँच चुके हैं। और आपको बता दूं कि जैसे कि बहुत दिनों से मैं कुछ व्लॉग्स के साथ साथ कुछ स्पेशल वीडियोस डाल रहा हूं सोहर के, जो कि मेरे गांव में यानी मोरापारा जो हमारा नेटिव प्लेस है, गांव है, वहां पे जो है चल रहा है जब से चिगू पैदा हुआ है 25th से वहां पे सोहर के गीत मतलब शुरू हो चुके थे, रोज़ होते थे। और जैसे कि रिवाज है कि जब बेबी होता है तो 11 दिन तक सोहर गीत गाए जाते हैं, तो कल जो है 11 दिन ख़त्म हो गए हैं और कल जो है सोहर के गीत मतलब बहुत ही धूमधाम से गाए गए। और जो है गांव में बहुत ही बड़ी सी पार्टी हुई, जिसमें पूरे गांव को इनवाइट किया गया और बहुत ही बढ़िया पार्टी हुई। उसकी कुछ क्लिपिंग्स जो मुझे मिली हैं वो मैं अभी इसके साथ आपको ज़रूर डाल के दिखाऊंगा कि वहां पे क्या माहौल था, लोग कितने खुश थे और कितना सबने इंजॉय किया। तो दोस्तों ये देखिए, आज सुबह सुबह मम्मी ने स्पेशल नाश्ता बनाया है, गरम गरम पूड़ियाँ तली जा रही हैं। और चीकू यहाँ पे आराम से धूप के मजे लेते हुए, धूप में बहुत ही ज्यादा एंजॉय करता है चीकू। और दोस्तों ये देखिए, ये चीकू का झूला जो कि जीजा जी जब आए तो लेकर आए। गाइस झूला जो है बहुत ही सुंदर था, बिल्कुल ही बॉयज थीम का ब्लू कलर का झूला, नेटवर्क लगा हुआ था। और आज हम ट्राई करेंगे कि चीकू को इसमें लिटाया जाए। ये देखिए चीकू की मालिश हो रही है, रोज जो है हर दिन में 3 बार मम्मी चीकू की मालिश करती हैं और चीकू काफी एंजॉय करता है। बैक साइड से तो बहुत एंजॉय करता है, फ्रंट साइड से रोता है। देखिए फ्रेंड्स, ये रूम के लिए हमने ये ड्रॉर्स मंगाए हैं, साइड ड्रॉर, और इसमें 5 कंपार्टमेंट्स हैं। अब जैसे कि चीकू आ गया है और चीकू के इतने सारे सामान मतलब रहते हैं, दवाइयाँ और बाकी मालिश का और इतनी सारी चीज़ें, डाइपर्स वगैरह, तो सब इधर उधर पड़े रहते थे, तो इसलिए हमने ये मंगा दिए हैं। और ये बिल्कुल एकदम ड्रेसिंग टेबल के साइड में बिल्कुल ये आ गया है, फिक्स हो गया है और बहुत ही सही है। इसको हम खोलते हैं, इसे सामान निकाल के वापस रख देते हैं। ये देखिए चीकू के डाइपर्स वगैरह सब कुछ ऐसे रखे हुए हैं यहाँ पे, यहीं से निकल जाते हैं सब सामान। ये देखिए इसकी दवाएँ, ड्रॉप्स वगैरह ये सब है, तो बहुत ही सही है। बहुत ही ज़्यादा अदरवाइज बहुत ज़्यादा मेस्टअप हो जाता है, सारा सामान इधर उधर पड़ा रहता है, इससे काफ़ी ज़्यादा सही है। ये हमने मंगाया है अमेज़ॉन से और काफ़ी सस्ता भी पड़ा है, बहुत महंगा नहीं है और देखने में भी अच्छा लग रहा है।
दोस्तों चीकू को हमने झूले पे लिटाया। शुरुआत में तो लग रहा था कि वो एंजॉय कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो काफ़ी रोने होने लगा, तो हमें उसे झूले से बाहर निकालना पड़ा। आई थिंक अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा, तो उसके बाद फिर इसको झूले और यहाँ से हम बैठा सकेंगे।